सेम लास्ट ट्यूटोरियल को हम लोग वाटर लेवल सेंसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक वाटर लेवल सेंसर इस्तेमाल करेंगे जो कि सेम एनालॉग वैल्यूज़ देता है डिफरेंट वाटर लेवल्स पर। उसके लिए ये सेम कोड जो हमने एलडीआर के लिए यूज़ किया है यूज़ कर सकते हैं, और इन रेंजेस को हम हमारे सेंसर के रिस्पांस के मुताबिक वेरी कर सकते हैं। सेम एलडीआर का प्रोग्राम हम लोग एक रिले के मॉड्यूल को चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ख़ास लाइट के ऊपर रिले एक्चुएट कर जाए तो हम उसकी रेंजेस बनाकर रिले की पिन को एक्चुएट करा सकते हैं। उससे इस तरह हम लोग एलडीआर बेस्ड 220 वोल्ट अप्लाइंसेस के कंट्रोल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक एनालॉग वाटर लेवल सेंसर या कोई भी कह सकते हैं ऐसा लिक्विड जो कि कंडक्शन कर सकता हो उसके लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे, और इसको डिफरेंट एलईडी लेवल्स पर शो करेंगे। ये एक एनालॉग सेंसर है तो जो डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल्स के लेवल्स को सेंस करने के लिए टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं उससे ज़्यादा बेटर है। इसमें हमने एनालॉग पर अपने हमारा एनालॉग वाटर लेवल सेंसर प्लग कर दिया है जो कि थ्री टर्मिनल सेंसर है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पर को हम 5 वोल्ट से पावर अप करेंगे और एस जहां लिखा है उसको हम अपने एडीसी पर प्लग करेंगे। ये डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट वोल्टेजेस देगा, और हमने 5 डिजिटल आउटपुट्स पर 5 एलईडीज डिफरेंट कलर की प्लग कर दी हैं। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं।